हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल आशा सक्सेना। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं स्ट्रेट हेयर कटिंग। और ये स्ट्रेट हेयर कटिंग देखिए, मेरे स्टूडेंट के इतने लॉन्ग हेयर हैं और हैवी भी हैं, इनमें हम करके आपको बताएंगे। और करने का तरीका बहुत ही इजी मेथड में होगा, क्योंकि हमने 20 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया है और ये स्टूडेंट्स हाफ कोर्स करना चाह रहे हैं। इनको हम उसी हिसाब से सिखाएंगे कि सेल्फ के अलावा कुछ ऐसे टिप्स जिससे कि ये घर बैठे कुछ इनकम कर सकें, क्योंकि हर लेडी की चाहत होती है कि वो अपनी पॉकेट मनी खुद निकाले। और हमने यही सजेस्ट किया कि आप बड़ा पार्लर ना खोलें, क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा चाहिए। तो आप शॉर्ट रूप में अपने पार्लर को खोलिए, और जो पार्लर खोलेंगी तो उसमें स्टार्टिंग में जो काम है वो धीरे धीरे आप पहले हाफ कोर्स करिए, उसके बाद में आप अपना हाथ साफ करिए, और फिर बाद में फुल कोर्स अगर आप चाहें तो करिए। लेकिन इतना हो सकता है कि छोटी जगह में जिन स्टूडेंट्स की मैरिज हुई है वो छोटी जगह में इतना काम कर सकती हैं, थ्रेडिंग का है, वैक्सिंग का है और कुछ हेयर कटिंग का है। हम बेसिक जानकारी पूरी देंगे, और इससे पहले भी हमने जो वीडियो पोस्ट किया था बेसिक जानकारी के लिए किया था, और अभी हम इनको हेयर कटिंग सिखा रहे हैं। सारे हमारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं और ये भी स्टूडेंट हैं, इनका ऊपर हम करके बताएंगे। देखिए, सबसे पहले वाटर स्प्रे हम करते हैं हेड वॉश किए हुए हेयर में, और उसके बाद में टेंगल रिमूव किए, हेयर को सुलझाया। और अब देखिए, हमने ये कहा है, आपको दिखा रहे हैं कि 4 इंच के लगभग का हेयर कटना बहुत आवश्यक है। क्यों? तो देखिए, डैमेज हेयर हमको दिखाई दे रहे हैं, छोटे बड़े हेयर दिखाई दे रहे हैं, उनको रिमूव करना आवश्यक है। तो 4 इंच के लगभग का हेयर कट करके हम डैमेज हेयर को रिमूव करेंगे और हेयर को शॉर्ट इतना हम करेंगे, क्योंकि हेयर कटिंग में क्लाइंट की चॉइस और अपना सजेशन दोनों ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। और यहाँ देखिए, हम डैमेज हेयर को रिमूव करने के लिए इस तरह से इतने हेयर को करेंगे। अब सिखाने के लिए हमने यही बताया कि सारे हेयर को अच्छे से कॉम करके हम स्ट्रेट लेकर आए। और अब ये इतने हेयर को कट करने के लिए हम इतना सीजर को बिल्कुल सीधी चलाएंगे, फिंगर ग्रिपिंग के साथ में। हम बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारी फिंगर ग्रिपिंग अच्छी है, फिंगर की पकड़ अच्छी है, तो हम स्ट्रेट हेयर में भी फिंगर में अच्छे से पकड़ की और चारों तरफ हेयर को ले जा सकते हैं और फिर हम कट कर सकते हैं, क्योंकि हमने अच्छे से हेयर को पकड़ रखा है जिससे कि वो ऊंचे नीचे इधर उधर नहीं सरक सकते हैं। तो सिखाने के लिए हम इस तरह से बता रहे हैं आपको कि इस तरह से भी हम हेयर कट कर सकते हैं। और ये देखिए, वैसे 0 डिग्री पर ही हेयर कट होता है, और हम सिखाने के लिए स्ट्रेट हेयर कट से ही इनको सिखाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कटिंग तो काफ़ी सारी है, लेकिन स्टार्टिंग जो है, एक स्टार्टर के रूप में स्ट्रेट हेयर कटिंग जो हमारे सामने आती है, हम हेयर कटिंग ब्यूटिशियन कोर्स में यहीं से स्टार्ट करते हैं। और बेसिक जानकारी हमने इससे पहले वाले वीडियो में दी थी, तो आपने देखा होगा। और अभी देखिए, हमने ये इनको करके बताया है कि इस तरह से फिंगर ग्रिपिंग में हेयर को हमने लिया और ये 4 इंच के लगभग का हेयर कट किया। आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट हेयर कट हुए हैं, कोई छोटे बड़े नहीं हैं। और फिर भी हम इनको चेक करेंगे, कोई भी कटिंग हम करते हैं तो उसके बाद में हमको हेयर को ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, कहीं छोटे बड़े तो नहीं हैं, क्योंकि पार्लर से निकलने के बाद में अगर छोटे बड़े हेयर नज़र आते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है और हेयर का लुक बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ये देखिए, फिनिशिंग हम दे रहे हैं और बता रहे हैं स्टूडेंट्स को कि इस तरह से कट करने के बाद में आप फिनिशिंग दीजिए। ये हमने बिल्कुल सेल्फ कोर्स के लिए इसी स्टाइल में बताया है, जिससे कि आप आसानी से सीख सकें। मेरे स्टूडेंट सभी सुन रहे हैं कि इतनी इजी वे में, वो उनका खुद भी यही मानना है कि मैम, हमने इतनी जगह हेयर कटिंग कराई
लेकिन इतनी इजी वे में किसी ने नहीं की, बार बार बस सीजर से इधर उधर करना। अब देखिए दूसरा तरीका हम बताने जा रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा कि हमने सेंटर पार्टिंग की है। सेंटर पार्टिंग करने के बाद में हेयर को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया और फिर उनको फ्रंट पोर्शन में लेकर आए साइड में, और फिर हमने देखा कि छोटे बड़े हेयर तो नहीं नज़र आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम पार्टी वगैरह में दोनों साइड से हेयर को आगे लेकर आते हैं, फ्रंट पोर्शन में जब लेकर आते हैं तो स्ट्रेट हेयर कटिंग में भी लुक आना चाहिए। तो इसलिए हमने देखी पहले राइट हैंड साइड के हेयर को ट्रिम किया है टू पार्ट में करने के बाद में। ये देखिए अब हम अच्छे से चेक करेंगे कि कहीं छोटे बड़े हेयर नज़र आए तो हम उनका ट्रिम करेंगे। फ्रंट पोर्शन में लाने के बाद भी बिल्कुल अच्छे लगेंगे। आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड के हेयर का जो कट किया है बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, इक्वल हैं। और अब हम लेफ्ट हैंड साइड का इसी तरह फ्रंट पोर्शन में लाकर कट करेंगे, छोटे बड़े हेयर नज़र आ रहे हैं तो उनको ट्रिम करेंगे। ये देखिए आप इस तरह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई हेयर हमको छोटा बड़ा दिखाई दे जाता है, तो उसको फिनिशिंग के लिए हमको ट्रिम कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स स्ट्रेट हेयर कटिंग के हमारे काफ़ी सारे वीडियोस हैं और आपने देखे भी होंगे, हर बार हम नए अंदाज में आपको सिखाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आप अच्छे से सीखें और इसका यूज़ कर सकें। ये देखिए इस तरह से फ्रंट पोर्शन में लाने के बाद भी हेयर इक्वल दिखाई दे रहे हैं। तो ये रहा बहुत ही इजी मेथड में स्ट्रेट हेयर कटिंग का नज़ारा। विश्वास है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स के साथ में, और अपने कमेंट्स द्वारा बताइए कि आपको कैसा लगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, और इसी के साथ में विदा लेते हैं अगले वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।